हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राहुल गांधी ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गडकरी जी, और वो बोल रहे हैं कि गरीबों के खाते में 7500 रुपए 7500 रुपए तुरंत डालने चाहिए। क्या इतना पैसा है सरकार के पास, क्या ये मदद करने के बारे में सरकार सोच रही है? नहीं, वो जो कह रहे वो तो बात पहले ही जनधन अकाउंट में हमारे सरकार ने किया है, पैसे डाले हैं, 35 करोड़ लोगों में डाले और हमारे अनाज के राशि कम है, निजी तौर पर वो राशि कम है, ये 7500 रुपए इंडिविजुअल को देने की बात कर रहा है। नहीं, ऑलरेडी दिया गया है, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में 35 करोड़ बैंक अकाउंट्स है उसमें पहले ही सरकार ने पैसे डाल दिए। कितना दिया है, एक अकाउंट में कितना पैसा गया है आप बता दीजिए? कम है सर। देखिए, ऐसा है जो भी गया है लोगों की अपेक्षा आखिर इस समय ज्यादा ही है, और जैसे मैंने आपको कहा कि इस संकट के समय में सबको सर्वाइव होना, सबको संकट पर मात करके आगे चलना, किसी को फिसलने न देना, और इंडस्ट्री से हो, श्रमिक हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, बैंकिंग सिस्टम हो, प्रशासन हो, सबको साथ लेकर आगे जाना, यही इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यही काम कर रही है। तो राहुल गांधी जी की मांग बेमानी है? मैं इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता, वो एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है, उनको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना उनका अधिकार है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वक्त राजनीतिकरण करके एक दूसरे विवाद करने का नहीं है, हम सब ने मिलकर इस संकट का मुकाबला करना और मिलकर काम करना ये आवश्यक है। ये लड़ाई, आर्थिक लड़ाई और कोरोना की लड़ाई जीतने के बाद एक सवाल और पूछना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टी के साथ है, हमको जो करना है वो कर सकते हैं। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।